दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स टॉक क्रिकेट, और ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप भी समझ गए होंगे कि हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए इंडिया की प्लेइंग 11 जो इस वक्त खेल रही है T20 इंटरनेशनल में, और IPL में बिके हुए दो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, दोनों का मिला के टोटल बैठ रहा है 45.25 करोड़, यानी कि 45 करोड़ 25 लाख रुपए में दो खिलाड़ी सेल आउट हुए। और पूरी इंडियन टीम प्लेइंग 11 अगर जोड़ दी जाए तो सबका टोटल बैठता है 43 करोड़ 43 करोड़। हाँ जी 43 43 करोड़। और ये हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, आपको पूरे स्टैट के साथ समझाते हैं, पूरे आंकड़े हैं हमारे पास, वन बाय वन आपको दिखाते हैं सारी प्लेइंग 11 के साथ प्राइस के साथ। दोस्तों ये देखिए स्क्रीन पर है आपके सामने दोनों टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। ऋतुराज गायकवाड़ को मिलते हैं IPL के 1 साल के 6 करोड़ रुपए और यशस्वी जायसवाल को मिलते हैं 4 करोड़ रुपए। ये ओपनिंग पेयर है टीम इंडिया का, दोनों की टोटल बैठ रहे हैं मिला के 10 करोड़ रुपए। उससे आगे देखिए 3 नंबर तिलक वर्मा, 4 नंबर सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा को मिलते हैं 1.7 करोड़ रुपए और सूर्य कुमार यादव को मिलते हैं 8 करोड़ रुपए, यानी कि दोनों पेयर का मिला दिया जाए तो 9.7 करोड़ रुपए 3 नंबर और 4 नंबर। अब आगे देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, 5 नंबर रिंकू सिंह, 6 नंबर जितेश शर्मा। रिंकू सिंह को मिलते हैं 80 लाख रुपए और जितेश शर्मा को मिलते हैं ओनली 20 लाख रुपए, यानी कि 5 नंबर और 6 नंबर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिला के बैठता है 1 करोड़ रुपए। ये 6 खिलाड़ी अभी तक हो चुके हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए ये दोनों खिलाड़ी हैं, 7 नंबर कुलदीप यादव, 8 नंबर है रवि बिश्नोई। 7 नंबर पर कुलदीप यादव को मिलते हैं 2 करोड़ रुपए, 8 नंबर रवि बिश्नोई को मिलते हैं 4 करोड़ रुपए, और इस पेयर का मिला के 7 नंबर और 8 नंबर का टोटल होता है 6 करोड़ रुपए। आगे देखिए 9 नंबर मुकेश कुमार, 10 नंबर अर्शदीप सिंह। 9 नंबर पर मुकेश कुमार है जिन्हें मिलते हैं 5.5 करोड़ रुपए, 10 नंबर पर अर्शदीप सिंह है जिन्हें मिलते हैं 4 करोड़ रुपए। ये टोटल पेयर अगर मिला दिया जाए तो टोटल बैठते हैं 9.5 करोड़ रुपए। और दोस्तों देखिए 11 नंबर और 12 नंबर दो पेयर और हमने बनाए हैं, 11 नंबर पर मोहम्मद शमी और 12 नंबर पर मोहम्मद सिराज। आप इन दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, मोहम्मद शमी को मिलते हैं 6.25 करोड़ रुपए और मोहम्मद सिराज को मिलते हैं 7 करोड़ रुपए, यानी कि अगर ये पेयर भी मिला दिया जाए तो टोटल बैठते हैं 13.25 करोड़ रुपए, यानी कि 13 करोड़ 25 लाख रुपए मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दोनों को मिला के। IPL के आपको प्राइस बता रहे हैं कौन से खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है। और अब देखिए टोटल आपको दिखाते हैं हम आंकड़े एक बार, यह आप टोटल आंकड़ा यहां पे देख सकते हैं, इसमें मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस दोनों को मिला के 45.25 करोड़ रुपए का टोटल वर्थ बैठ रहा है, जो IPL के 2024 के ऑक्शन में मिला है दोनों खिलाड़ियों को। और पूरी प्लेइंग 11 टीम इंडिया की अगर मिला दी जाए तो टोटल बैठता है 43 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आपने इन्हें इतना ज्यादा पैसा क्यों दे दिया, हम ये नहीं कह रहे, या हम ये नहीं कह रहे कि आपने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को इतना कम पैसा क्यों दे रहे हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये इंडियन प्रीमियर लीग है, IPL है, यहाँ पे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को आप इतने बड़े बड़े खिलाड़ी को, रिंकू सिंह इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 50 लाख 80 लाख, जितेश शर्मा 20 लाख, अर्शदीप सिंह 4 करोड़ और आपके मुकेश कुमार 5.5 करोड़, मोहम्मद शमी जैसा बॉलर 6 करोड़ में खेल रहा है, मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर ओनली 7 करोड़ में खेल रहा है, और आप इनको 45.25 करोड़ रुपए किस बात के दे रहे हो, ये मेरी समझ से परे है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, बहुत मेहनत से आपके लिए स्टैक्स निकाले हमने, और आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जिस किसी भाई को कुछ अगर पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो के कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया टीम की जो प्लेइंग 11 T20 में आज की खेल रही है, वो पूरी प्लेइंग 11 हमने आपके सामने दिखा दी है, पूरी प्लेइंग 11 को मिला के जितना पैसा IPL में मिल रहा है 11 खिलाड़ियों को, उससे ज्यादा पैसा इन दो खिलाड़ियों को दे दिया। यही रीजन है कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते, क्योंकि हम अपने घर का बेदी लंका ढाई वाली बात है कि हम बाहर वाले खिलाड़ियों को, चाहे वो इंग्लैंड के हों, चाहे न्यूजीलैंड के हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, उन्हें अपनी फ्रेंचाइज में इतने ऊपर ओहदे पर बिठा देते हैं कि हर चीज उनके साथ डिस्कशन होगी। जिस प्लेयर को इतना ज्यादा पैसा दे रहा है वो आपकी थिंक टैंक का हिस्सा रहता है, उसे A to Z पता चल जाता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस खिलाड़ी के खिलाफ क्या प्लानिंग बनाते हैं। और मिचेल स्टार्क IPL में नहीं खेलते थे, इस बार खेलने का इनका रीजन यही है कि T20 वर्ल्ड कप होना है IPL के तुरंत बाद, और इन्हें पता है सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर टीम T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया है, इसीलिए ये IPL से जुड़े हैं, ताकि इंडिया में
सारे खिलाड़ियों का ए टू जेड, किसकी क्या कमी है क्या खामियां है, सब कुछ यहां से लेके जाएं और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हर बार की तरह सेमीफाइनल और फाइनल में या तो न्यूजीलैंड से हार जाए या ऑस्ट्रेलिया से हार जाए या इंग्लैंड से हार जाए। तो दोस्तों यही कंटिन्यू चलता रहेगा। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत मेहनत से आपके लिए स्टैट्स निकाले हैं, पूरी प्लेइंग 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, और अगर इसमें कैमरन ग्रीन को और जोड़ दिया जाए, मैक्सवेल को और जोड़ दिया जाए, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि टीम इंडिया के 25-30 खिलाड़ियों को मिला के जितना पैसा नहीं मिल रहा है जितना ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों पर बरसाया जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन भाइयों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से आके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज क्रिकेट के ऊपर मिलती रहें। और दोस्तों इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।